नमस्कार साथियों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नंदलाल साहू और आपको आगामी शिक्षक भर्ती में खास तौर पे जो पेपर वन, पेपर टू, वर्ग वन, वर्ग दो, वर्ग तीन, तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेबस रहा है वो है शिक्षा शास्त्र, उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले दो तीन वीडियो और डाले हुए हैं जिसमें हमने बाल विकास के सिद्धांत के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बाल विकास को क्या होता है, बाल विकास में वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इसके साथ ही हमने देखे थे कि विभिन्न अलग अलग जो अवस्थाएँ होती हैं और उसमें जिसमें हॉल ने, हरलॉक ने अलग अलग प्रकार से क्या किया, इनको क्लासीफाई किया, और जो क्लासीफाई किए तो उसमें कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं अवस्था के अनुसार से, तो ये सारे चीजें हैं। इसी चरण पे हम आगे आगामी वीडियो हमारा होगा। हमारी क्लास चालू हो चुकी है, सचदेवन यूपीटी कॉलेज पावर्ड बाय कंपटीशन विंग, ठीक है। आपको एक हफ्ते का फ्री डेमो क्लास भी दिया जाता है और कंटिन्यू मॉर्निंग में सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक की क्लास चालू हो रही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी चरण पे, ठीक है। तो आज का वीडियो जैसे हम देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। इस चरण में हम देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है, यह पहले पता करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यह चाइल्ड साइकोलॉजी होता है और यह चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। अगर इन दोनों बारीकियों को समझेंगे तब हम विषय वस्तु की समझ को विकसित कर सकते हैं। अगर हम बात करें बाल चाइल्ड साइकोलॉजी का, तो क्या होता है कि मनोविज्ञान होता है, मतलब मन की जो अवस्थाएं होती है, मन का जो अध्ययन करना होता है वो मनोविज्ञान होता है। ऐसा चीजें जो क्या कर सकते, बाहर से आप नहीं दे सकते, अंतर तत्व बोल सकते वापिस से, और वो अंतर तत्व का अध्ययन करना कहलाता है आपका मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान के अलग अलग जो क्या होते हैं ब्रांचेस होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांच होता है वो होता है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो इसमें मुख्यतः क्या किया जाता है, बालक की क्षमता का अध्ययन किया जाता है, बालक की क्षमता का अध्ययन किया जाता है कि उसमें कितनी क्षमताएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की, बात करें विकास की बात करें, तो उसमें मुख्यतः बालक के क्षमताओं के विकास, खासतौर पर इसमें भी क्षमता होगा, लेकिन उस क्षमता का विकास कैसा हो रहा है और उस क्षमता के विकास होने के लिए क्या दशा चाहिए, क्षमता के विकास होने के लिए क्या दशा चाहिए, उस दशा का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि बालक को हम क्या करेंगे, चलना सिखाना है, चलना सिखाना है, तो वो एक क्षमता होगा। अब इस चलना सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस चलने पे विकास में जोर दिया जाएगा। तो जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक गाड़ी ला लेते हैं जिसमें बैठ के वो पैदल चलने की कोशिश करता है, या हम उसे टेबल देते थे जिसमें वो खड़े होकर फिर पैदल चलने की कोशिश करेगा, या हम क्या करते हैं उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और इससे चलने की कोशिश करेगा। मतलब वो सारे बाहरी तत्व जिससे क्या होता है उसकी क्षमता का विकास होता है, और उसी क्षमता के विकास की दशा को हम बोलते हैं बाल विकास, ठीक है। हमें ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे बच्चों का क्या हो सके, विकास हो सके। आगे हम देखते हैं कि बालक की परिभाषा क्या है। तो जो बालक प्रौढ़ नहीं है, या जो व्यक्ति प्रौढ़ नहीं है वो बालक होता है। अर्थात हम बात करें, हमने अलग अलग स्टेजेस की बात किए थे, जिसमें से जो सबसे पहला जो स्टेज आता है शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के ये जो अवस्था होते हैं उसे हम बालक कहते हैं। शैशवावस्था मतलब जब वह गर्भ में रहता है, और किशोरावस्था की बात करें तो लगभग 17 से 18 साल तक की अवस्था होती है। इन दोनों की जो बीच की अवस्था होती है वो बालक के अंतर्गत आते हैं, और शिक्षा शास्त्र और बाल विकास में हम इन्हीं दोनों अवस्थाओं का, यहां से मतलब इसी बीच की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में आपकी बालक की क्षमता का अध्ययन होगा, और बाल विकास में उस क्षमता के विकास करने के लिए जो दशा बनेगा उस दशा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसी चरण में बाल विकास के सिद्धांत देखेंगे कि अलग अलग जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हुए उसने बाल विकास के सिद्धांत को कैसे प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विकास है क्या, तो बालक के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। कहां से कहां तक करेंगे, तो गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक के करेंगे, ठीक है। गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक का करते हैं, तो ये होता है बाल विकास। अब ये बाल विकास में खासतौर पर आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था, इसको मुख्य रूप से हम लोग केंद्रित करके रखते हैं, ठीक है। हालांकि विकास जो होता है वो क्या होता है कि कब्र से लेके गर्भ तक, ना मतलब गर्भ से लेके कब्र तक के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो उन्हीं में से बीच का सेगमेंट का अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। अब हम देखते हैं हरलॉक, ठीक है। हरलॉक ने क्या बोला, ठीक है। कुछ कुछ को तो हम लोग क्या करेंगे, बालकों के समक्ष पक्षों पे, जैसे कि हम देखेंगे कि इसके कुछ कोडिंग से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। कभी भी आपको याद रखना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के पेपर में, अगर आप पिछले साल के पेपर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची मतलब परिभाषा के रूप में आएंगे, और परिभाषा जो पूछा जाता है छोटा परिभाषा पूछा जाता है, बहुत बड़ा परिभाषा नहीं पूछा जाता है। तो आपको छोटे परिभाषा को ज्यादा याद करना है, जो फेमस साइकोलॉजिकल है चाइल्ड साइकोलॉजी, जैसे कि हरलॉक हो गया, क्रो हो गया, जैसे कि
स्कीनर हो गया, हाँ और भी हम लोग देखेंगे जैसे कि पियाजे ने क्या बोला है, कोहल बर्ग ने क्या बोला, इन लोगों के जो जो कॉन्सेप्ट है जिसने अवधारणा दिया उनको ज़्यादा पकड़ेंगे। और तीसरा चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको कोडिंग करना है, केवल जो मूल तत्व या सार तत्व होते हैं आप उसी को लिखिए और एक लिस्ट बनाइए जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगा। हर टॉपिक में आपको ऐसे 4 से 5 परिभाषा देखने को मिलता है। तो बाल विकास की परिभाषा में देखें तो सबसे पहले हरलॉक क्या बोलते हैं कि बालकों के समस्त पक्षों पर अध्ययन करना है। क्या करना है, जो विकास होता है वो समक्ष पक्ष होता है, सारे पक्षों का विकास होता है, ठीक है। मतलब ये जो विकास होगा किसी का शारीरिक विकास होता है, हाँ किसी का मानसिक विकास होता है, किसी का हम लोग देखेंगे संवेगात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास, किसी का हम देखेंगे क्रियात्मक विकास होता है, शारीरिक क्रिया जैसे चलना कूदना, तो ये क्या हो जाएगा शारीरिक क्रिया हो जाएगा, तो शारीरिक क्रिया का विकास होगा। मतलब अलग अलग पक्ष होते हैं विकास के, तो समस्त पक्षों का अध्ययन करेंगे, कोई एक पक्ष का नहीं करना है, तब उसे हम बाल विकास बोलेंगे, ठीक है। ये कौन बोलता है, हमारा हरलॉक बोलता है। दूसरा हम देखते हैं क्रो, क्रो के अनुसार क्रो को हम लोग याद कर सकते हैं किशोरावस्था से, अगर इसका कोडिंग करना चाहे क्रो किशोरावस्था, अर्थात वैज्ञानिक एक अध्ययन है, बाल विकास का है एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक के प्रारंभिक किशोरावस्था के वो भी कौन सा अर्ली, अर्ली मतलब पूर्व किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, तब वो बाल विकास के अंतर्गत। तो बाल विकास में मुख्यतः किसके अंतर्गत रखा है क्रो ने, गर्भावस्था से लेके पूर्व किशोरावस्था तक की अवस्था को रखा है। तो क से क्रो, क से किशोरावस्था। आगे देखते हैं जेम्स ड्रेवर का, जेम्स ड्रेवर की अवधारणा के अनुसार ज से जेम्स याद रखना है, ज से जन्म याद रखना है आपको, तो जन्म से लेके परिपक्वता तक के अधीन, ना मतलब मैच्योरिटी तक के, तो बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक की जो अध्ययन करेंगे उसे हम बोलते हैं जेम्स ड्रेवर। अगर हम बात करें परिपक्वता अवधि का तो यह मुख्यतः किशोरावस्था के आसपास आना चालू होता है, इसके बाद से तो क्या हो जाता है वह मुख्य रूप से समाज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह भी वही कहता है, लेकिन उन्होंने शब्द की जो शब्द है उसको चेंज कर दिया, जन्म से लेके परिपक्वता तक के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। आगे हम देखते हैं आइसनजेनेक के अनुसार, आइसनजेनेक के अनुसार बात करें तो प्रक्रियाओं पे फोकस करता है ये, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकास जो होता है उसके अनुसार ही हम बाल विकास को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो यह चार परिभाषा को आपको याद करना है। पहला जो दिया हुआ है हरलॉक, हरलॉक बोलता है कि समस्त पक्षों का अध्ययन करिए, क्रो बोलता है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन करना है, वो वैज्ञानिक अध्ययन करना है, और जेम्स ड्रेवर बोलता है कि जन्म से परिपक्वता तक के अध्ययन करना है, और एक है आपका आइसनजेनेक जो बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास का अध्ययन करने की बात करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपकी परिभाषा होता है। अगर हम बात करें कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत या इस पेपर के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से टॉपिक जो हैं ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है परिभाषा, सारे अलग अलग टॉपिक होंगे, आपको सबसे पहले परिभाषा को याद करना है। परिभाषा याद करने के मैंने 3-4 ट्रिक बताए हुए हैं। पहला आपको ट्रिक बताया है कि आपको छोटी परिभाषा याद करना है। दूसरा आपको क्या करना है, जो फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिसका बार बार आप हर अध्ययन में देखेंगे, हर जगह क्या करेगा वो अपना व्यक्तित्व देगा, तो आपको ऐसे लोगों का नाम को याद करना है और इन्हीं से ही आपको याद करना है, हर लोग को याद नहीं कर सकते। तीसरा चीज आप क्या करेंगे कि इसमें आपका उसके मूल अर्थ को समझना है कि कहना क्या चाहता है, मूल अर्थ को क्या कहते हैं, और लास्ट में अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कोडिंग करना चालू करेंगे, और सबको क्या करेंगे कि कम से कम ऐसे 5 पेज में आप क्या करें जमा के रखिए, इस टॉपिक में ये परिभाषा आया, ये सारा चीजें हुआ ऐसे करके। तो मूलतः आप बोल सकते हो कि 30 नंबर के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है अगर इसकी प्रवृत्ति को देखें तो ये आपका जो आता है वो होता है आपका स्टेजेस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्टेजेस से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 11 साल में क्या करेगा, 15 साल में क्या करेगा, बोलना कब सीखता है वो ना, उसमें शब्दों का विकास कितने अवस्था में हो जाएगा ऐसे करके, तो अलग अलग स्टेजेज वाइज का क्वेश्चन आता है। इसको आप टेबल बना लीजिए और टेबल के अनुसार से क्या कीजिए, हर टॉपिक का एनालिसिस करके पढ़िए, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, आपको याद करेगा और गलत करने से बचेगा, क्योंकि यह आपको सही जोड़िंग भी मिलेगा या तो उसे बीच टेबल को लेकर पूछता है कि पियाजे के कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट, सारा चीजें को लेकर। तीसरा हमारा क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति को देखेगा, तो यह जो क्वेश्चन होता है आपका इसमें अवधारणात्मक क्वेश्चन आते हैं। अवधारणात्मक क्वेश्चन आने के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि उसके अनुसार क्या हुआ, उसने किन तत्वों पे फोकस किया, नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया, ठीक है, किसने सूर्य का सिद्धांत को दिया है, तो ये जो अवधारणा होता है उस अवधारणा को आप डिटेल में पढ़िए, ठीक है, और डिटेल में पढ़ के आप क्या करें शॉर्ट नोट्स बनाइए, ओके। तो ऐसे परिभाषा, स्टेज और अवधारणात्मक क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है मुख्यतः। आगे हम देखते हैं अपने टॉपिक में पुनः आ जाते हैं, तो हम देखेंगे बाल विकास के ऐसे क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। बाल विकास के
क्षेत्र, तो हम देखेंगे कि वो सारे कौन कौन से चित्र हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, बाल विकास का अध्ययन करते हैं। इसमें से कुछ चीजों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि पहला जो चीजें होती हैं विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, जो कि हमने किया है बाल विकास के अवस्था करके, जिसमें हमने देखा था शैशवावस्था देखा था, हाँ शैशवावस्था, बाल्यावस्था देखे थे, बाल्यावस्था, इसके साथ हम बचपनावस्था भी देखे थे, बचपनावस्था, किशोरावस्था का अध्ययन किए थे। तो ऐसे करके ये जो स्टेजेस होते हैं, इस स्टेजेस में वह कौन कौन से गुण सीखते हैं, इसका हमने अध्ययन किया है, ठीक है। तो एक क्षेत्र आपका बाल विकास मतलब कि उनकी अवस्था हो सकते हैं। दूसरा होता है कि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे कि ये क्या होगा, विकास जो होता है बहुपक्षी होता है, बहुपक्षी विकास होता है, किसी के लिए क्या होता है शारीरिक विकास होता है, किसी के लिए मानसिक विकास इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए संवेगात्मक विकास इंपॉर्टेंट। तो सभी विकासों का जो विभिन्न पहलू होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपके देखेंगे शारीरिक विकास का अध्ययन, उसमें जो हाथ पैर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका आंख का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके सुनने का विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो एक शारीरिक विकास होगा। उसमें समझने का विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो फीलिंग को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, तो इसी में जैसे फीलिंग को समझना हम संवेगात्मक विकास बोलेंगे, और उसकी जो बुद्धि का बढ़ना या बुद्धि का विकास होना इसे हम मानसिक विकास बोलेंगे, जो IQ लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऐसे करके। आगे देखेंगे हम सामाजिक विकास की बात करेंगे कि वह समाज के जो हमारा जो प्रतिक्रिया है, समाज के साथ जो रिलेशनशिप है उसको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है। सामाजिक विकास में कि लड़का लड़की में भेद क्यों किया जाता है, हाँ समाज में लड़कों से क्या अपेक्षा की जाती है, हमें सामाजिक रूप से कैसा होना चाहिए, सहयोग की भावना आ रही कि नहीं आ पा रही, प्रतिस्पर्धा है कि नहीं है, तो ये सारा जो विकास होता है वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे क्रियात्मक विकास, यही क्रियात्मक विकास में वो चलना, हाँ बोलना, ऐसे अलग अलग जो क्रिया होता है, ठीक है, ये सारे चीज का विकास करेगा। भाषा विकास होगा कि वह शब्दों का जो क्रम है, जैसे कि 272 शब्द कब सीखता है, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज हुआ है उसका हम अध्ययन करेंगे। नैतिक विकास का अध्ययन देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी कोहलाव का सिद्धांत पढ़ेंगे, वह डर की वजह से क्या करता है का अपना अच्छे गुणों का विकास करता है, डर की वजह से करेगा, या कई जगह क्या करेगा उसमें बेसिकली होता है कि समाज क्या चाहता है, समाज के मानक के अनुसार से वो क्या करता है अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो ये सारा चीजें हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत है। आगे हम देखेंगे चरित्र विकास का सिद्धांत कि उसमें चरित्र के जो गुण है, चारित्रिक गुण है, उनका विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसमें दया की भावना आ रही कि नहीं आ पा रही है, ठीक है, ये सब आपके चारित्रिक गुण होते हैं। आगे हम देखते हैं व्यक्तित्व का विकास होगा, और सारे चीजों को लेकर देखेंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये अलग अलग हमारे क्या होते हैं पहलू होते हैं जिसको हमें क्या पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ना रहता है। आगे हम देखते हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन कि एक बच्चे के विकास में वे कौन कौन से तत्व हैं जो बहुत भूमिका निभाता है, जिसमें से हम देखते हैं कुछ कुछ को तो हमने पढ़ा भी हुआ है, वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है कि आपके जीन का इफेक्ट पड़ता है, कि आपके जो पैतृक है वो कैसा समाज से बिलीव करता है, वो प्राकृतिक सोच वाला है कि वह आधुनिक समाज की सोच में रहता है, या वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, उनके आसपास के सोसाइटी कैसा है, ये सारा चीज आपकी वंश परंपरा के अंतर्गत आता है। उनके वातावरण कैसा है, उनके विद्यालय में उनका वातावरण कैसे व्यवहार किया जा रहा है, मम्मी पापा के बीच में कोई संघर्ष तो नहीं है, ठीक है, मतलब हिंसात्मक व्यवहार तो नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीजें भी कहीं ना कहीं आपका वातावरण के रूप में परिभाषित ये करता है, प्रभाव करता है। परिपक्वता और शिक्षण की बात करेंगे, ठीक है, कि उसमें कितना मेच्योरिटी आया हुआ है और उसकी शिक्षण पद्धति कैसे है। असमानताओं का अध्ययन करते हैं, अलग अलग हमारे बच्चों में देखने को मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, और उस समावेशी शिक्षा में देखने को मिलता है कि अलग अलग वर्ग के बच्चे आते हैं एक विद्यालय में, तब एक शिक्षक के रूप में आपका क्या होता है, उनका जो व्यवहार होता है, शिक्षक का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो विकृतियों का अध्ययन भी सामाजिक विकास या बाल विकास में किया जाता है, जिसमें से हमारा मानसिक विकास होता है, जिसका IQ लेवल कम होता है, जिसे में हमें देखना पड़ेगा अल्प बुद्धि के बालक, हाँ अल्प बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक, ये सब क्या होता है। आगे हम देखेंगे बौद्धिक दुर्बलता देखेंगे कि बुद्धि जो क्या होता है उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाता, हम इसी में देखेंगे कि अपराधी बालक क्या होते हैं, ऐसे करके। तो ये सारे क्षेत्र होते हैं जो हम बाल विकास के क्या कर सकते हैं, क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को देख के लगेगा कि ये सारा चीजें मेंस या फिर PSC मेंस टाइप की अवधारणा है, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने के तरीके में हम देखेंगे कि आधा आपका जो रहेगा कम से कम 40% से 50% आपका फैक्ट याद करना रहता है, और 50% आप में क्या होनी चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए, तब जाके आप ज्यादा से ज्यादा मेच्योर हो सकते हैं। सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते, समझ की क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए समझ करने के लिए आपको क्या चाहिए, अलग से इसका डायनेमिक पार्ट को समझना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं बाल विकास उसके अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या होगा कि अलग अलग लोगों के साथ उसका जो अंतःक्रिया है वो कैसा रहा है, जैसे कि इसी में आता है परिवार के लोग के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मम्मी पापा के बीच में उसका कैसा रिलेशन है, या वह नाना नानी के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सारा चीजें आता है।
आगे हम देखते हैं पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार है। हाँ, आजकल हम बात करते हैं आधुनिक समाज में तो क्या हो रहा है कि पड़ोसी अब गायब होते जा रहे हैं। एक बच्चा जो होता है केवल मम्मी पापा के साथ खेलता है तो वो पड़ोसियों के व्यवहार को नहीं देखता है और अपने मम्मी पापा के व्यवहार से पहले से ही भीग रहता है, तो अब उसमें नए व्यवहार शामिल नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से बच्चा क्या होता है, उसके जो लर्निंग प्रोसेस होता है वह लर्निंग प्रोसेस जो होता है रुक जाता है या लर्निंग प्रोसेस जो होता है कम हो जाता है। तो पड़ोसियों के साथ माहौल कैसा है। आगे देखते हैं अध्यापक के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, बच्चा ठीक से पूछ पा रहा है कि नहीं पूछ पा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वह अध्यापक को देख के उसे डर के मारे अगर नहीं पूछ पा रहा है तो वह बहुत ही कम सीखने को मिलेगा, कम सीखता है। ठीक है, तो आजकल एक अच्छे शिक्षक के रूप में ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वह दोस्त के रूप में ये करे और अपनी मन की जो जिज्ञासा है वह एक टीचर को पूछ सके। आगे हम देखते हैं इसी में खेल के साथ कैसा रहता है, उसमें शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया। शारीरिक क्रिया हो गया, जितना ज्यादा खेल में पार्टिसिपेट करेगा उसकी बुद्धि का विकास भी होता है, उसमें अनुशासन गुण आता है। हाँ, ये सारे चीज का विकास आपका क्या होता है, खेल के साथ होता है। तो एक बच्चा को जितना ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है उसको खेलने का अवसर दिया जाना चाहिए, उनके दोस्तों के साथ रहने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये आपकी अंतःक्रिया के अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं रुचियों का अध्ययन करेंगे कि बालक की रुचि किस में है। बालक की रुचियों का अध्ययन करते हैं कि उसमें पेंटिंग में रुचि कैसा है उसका। हाँ, उसका हम देखेंगे कि कैलकुलेशन में कितना रुचि होता है, गणित के प्रति कैसा रुचि होता है, प्रकृति के साथ उसका रुचि कैसा है। तो वो रुचियों का अध्ययन हम लोग करते हैं बाल विकास में। और इसी चरण में आपका मानसिक विकास का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे कि वह कैसा सीखता कैसा है, इसकी अलग अलग अवधारणाएं देंगे। ठीक है, स्किनर की अवधारणा पढ़ेंगे अलग अलग लोगों का। इसी में कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति, ठीक है, या प्रत्यक्षीकरण, ये सारे अलग अलग अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हम पढ़ेंगे कि थिंकिंग और लर्निंग क्या होता है। ठीक है, और अब आगे हमारा आता है व्यक्तित्व विभिन्नता का अध्ययन में कि अलग अलग जो बालक होते हैं, अलग अलग बालक हैं, वो अलग अलग बालक को हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं और जब उसे पढ़ाना रहता है या फिर सिखाना रहता है तो हम उस सिखाने में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख के सिखाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं बालक सीख पाता है। सभी को एक ही छड़ी से हाँकना बोलते हैं ना, ऐसे नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग जो चीज़ें होगा उसको उसी आधार पे ही आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये कहे कि जो बालक का क्या होता है कि व्यक्तिगत रुचि आपको नहीं पता रहेगा तो आप उसे लर्निंग उतना अच्छे से पॉजिटिविटी या इफेक्टिव जो इफेक्टिवली होता है हमारा जो लर्निंग प्रोसेस आप नहीं दे सकते। ठीक है, बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन देखेंगे कि बालक और अभिभावक के साथ कैसा संबंध है। वर्तमान दौर में देखने को मिलता है कि बहुत सारा क्या हो रहा है, एकल परिवार बन रहा है ना, या तलाक की स्थिति आ जाती है, या और भी बहुत सारे हिंसात्मक होते हैं। वहां पे जो बालक का मानसिक स्थिति रहता है वह क्या रहता है, विचलित रहता है। बालक की मानसिक स्थिति क्या रहता है, वहां पे विचलित रहता है। तो ये सारे चीजें भी कहीं ना कहीं आपके बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारे तत्व जो होता है महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बाल विकास के क्षेत्र का अध्ययन करना है। आगे हम चलते हैं इसी चरण पे। ठीक है, तो बाल विकास के संबंध में कुछ कुछ हमारा परंपरागत सिद्धांत रहा, वो परंपरागत सिद्धांत कौन कौन सा है जिसके आधार पे क्या हुआ कि बाल विकास के क्षेत्र में नए परिवर्तन आए, कि नहीं ऐसा बस नहीं होता है। पहले हम बात करते हैं पुराने समाज का, तो कुछ कुछ लोगों की क्या मान्यता होती है कि जो बाल्यावस्था होता है वो बालक प्रौढ़ व्यक्ति का ही एक छोटा रूप होता है बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं कि संपूर्ण मानव जीवन जो होगा वो जीवन एक क्या होगा, एक हमारा चक्र होगा। हाँ, यहाँ तक कि सपोज दैट एक चक्र है, तो यहाँ पे से हम लोग बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है, ये स्वामी विवेकानंद है, एपीजे अब्दुल कलाम है, तो उसी का एक बचपना का पार्ट है मानते हैं। जबकि अगर हम इसको पलट के देखें वर्तमान समाज में तो आपकी ये अवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि महात्मा गांधी को हरिश्चंद्र के नाटक देख के उसमें सत्यवादिता के गुण आते हैं, ठीक है, या उसमें जैसे कि अहिंसात्मक जो तत्व को सीखता है वो लंदन में जाके। तो अगर और भी हमारा बात करें जैसे कि हमारा जैसे कि अंबेडकरवाद की बात करते हैं कि उसने समाज में जो शोषित और जो हमारा जो उसने बचपना में जो विद्यालय में जो एक टाइप के क्या सीखा है कि उसको अपमान का जो भाव हुआ वो चीजें उनको क्या किया कि उनको एक अंबेडकर बनाया, उनको गांधी बनाया। ठीक है, तो आपका समाज ऐसा हो चुका है या अभी वर्तमान में बाल विकास को हम बोलते हैं कि प्रौढ़ व्यक्ति का लघु रूप ना होके उस मानव जीवन का आधार है, वो मानव जीवन का क्या है, वो आधार है। अगर उसमें इस अवस्था में उसमें लैंग्वेज का, इस अवस्था में उसमें अध्ययन का, इस अवस्था में इसमें सोच का या उसमें भावनात्मक विकास दिया जाए तो निश्चित ही वो एक महान व्यक्तित्व का रूप धारण कर सकता है। ठीक है, तो ये परंपरागत हमारे विश्वास है। आगे हम देखते हैं बालकों के जन्म के संबंध में हम मान्यता रखते थे
हैं कि अगर वो बच्चा शुभ नक्षत्र में पैदा होता है तो भाग्यशाली होता है, कई जगह ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, मूल नक्षत्र में रहेगा तो उसमें दोष दिखाया जाता है और पिता को उनसे कुछ समय के लिए दूर रखा जाता है, और उसमें बहुत सारे जो चीज होते हैं जिसमें कि ग्रहों के नक्षत्र को तोड़ना और भी बहुत सारी चीजें पूजा पाठ किया जाता है, ऐसा मान्यता था। लेकिन वर्तमान समाज में ये हो चुका है कि अगर बालक को शिक्षा सही ढंग से दी जाए, उसका वातावरण सही ढंग से रखा जाए, तो वह भी निश्चित एक सफल व्यक्ति या एक महान व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, तो उसके जो जन्म जो आधारित है वह कर्म आधारित हो चुका है समाज, तो इसमें हमें कर्म की प्रधानता ज्यादा देखने को मिल रही है, न कि जन्म के आधार पर। तो दूसरा हमारा परंपरागत विश्वास रहा है। तीसरा हमारा है वंशानुक्रम का। इसके अनुसार से ये बोलते थे कि जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का वाला। हाँ, अगर बच्चे क्या है कि एक किसान है या एक दलित है या फिर पिछड़ा वर्ग है, तो उनका मतलब जो पैतृक है, उनका पिताजी है या फिर उनके जो घर का माहौल है कि उतना ज़्यादा शिक्षा का माहौल नहीं रह पाया, तो हम ये बोलते हैं कि बच्चा भी उसी वर्ग में रहेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमें देखने को मिलता है ना कि जैसे कि नारायणपुर में जो अबूझ माड़िया है ना, या हमारे दंतेवाड़ा का स्कूल है, यहाँ के आदिवासी बच्चे IIT में सिलेक्शन ले पा रहे हैं, IAS निकाल पा रहे हैं, PCS में जॉब ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वंशानुक्रम निश्चित ही तो कुछ ना कुछ अंशों में प्रभावित करता है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता। अगर उसके वातावरण शिक्षण माहौल में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह निश्चित ही आम परिवार एक सफल परिवार की श्रेणी में ला सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं गर्भकालीन प्रभाव के संबंध में। गर्भकालीन प्रभाव के संबंध में देखते थे कि उनको झाड़ फूक हुआ कि नहीं हुआ है, हाँ वह कैसा खाना खाती है जो मम्मी होती है, या उनका जो उपचार परंपरागत रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसमें नारियल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, उसमें उसका पूजा पाठ किया कि नहीं पढ़ा, ऐसे करके हम लोग पहले चलते थे। और उस आधार पे बच्चों का क्या कर देते थे, उनका भविष्यवाणी कर देते थे कि बच्चा जो है इनके मम्मी ने ऐसे ऐसे काम किया था, इस वजह से इसका बच्चा का इनके गुण ऐसे ऐसे विकसित होगा। लेकिन अगर वर्तमान दौर पे देखें तो केवल केवल पोषण का आधार, हाँ केवल केवल पोषण, और एक होता है आपके मानसिक शांति। मानसिक शांति यह दो फैक्टर ही आपका काम करता है, बाकी फैक्टर उतना ज्यादा काम नहीं करता बच्चों के विकास में। ओके, तो अगर पोषण अवस्था में अगर वो कहीं सही ढंग से अगर परिपक्व रहता है, बच्चे को सही पोषण मिला है मम्मी के गर्भ से माध्यम से, और उसमें मम्मी के जो मानसिक हालात है, मानसिक स्थिति है, एक प्रसन्नपूर्वक मोटिवेटेड, हाँ ये सारा चीज रहेगा, तो निश्चित ही बच्चों के विकास जो रहेगा एक पॉजिटिविटी रहता है ना। तो उसमें गर्भकालीन प्रभाव के संबंध में आपका परंपरागत उपचार या झाड़बू के सब उतना इम्पैक्ट नहीं करता। यौन भेद के संबंध में भी हम लोग देखते हैं हमारे परंपरागत समाज में रहा है कि लड़की पैदा होगी तो कमजोर रहेगी, समाज को उसको पराई घर की समझी जाती है, या फिर उसमें माना जाता है कि यहाँ छोटे छोटे काम ही कर सकते हैं, घरेलू काम कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े काम जैसे नहीं कर सकते, ऐसे करके हमारा मानना है घर को नहीं चला सकता करके। लेकिन वर्तमान दौर पर देखा जाए तो यहाँ पे स्त्री को कमजोर और पुरुष को शक्तिशाली समझा जाता है, लेकिन वर्तमान दौर में ये सारा चीजें भेद भी अब खत्म होते जा रहे हैं ना। देखो इसरो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग पावर पे देखो, या जहां भी देखो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छूटा जहां पे महिलाओं ने अपना डंका नहीं बजाया हो, तो इस पे हम बोल सकते हैं कि ये भी एक परंपरागत विश्वास था जिसको मीथा के रूप में तोड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पांच ऐसे हमारा जो परंपरागत विश्वास रहा है, जैसे कि प्रौढ़ व्यक्ति का लघु रूप हो गया, क्या होता है कि जन्म के समय उसका नक्षत्र कैसा था, या इसका वंशानुक्रम कैसा है, या गर्भकालीन के समय उसके मम्मी ने झाड़फूंक कराया या फिर जो परंपरावादी जो तत्व है उनको अपनाए कि नहीं अपनाए हैं, या जो यौन भेद होता है उनके सारे मिथकों को तोड़ते हुए आज बाल विकास जो होते हैं सारी चीजों को बराबर के आधार पर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारा परंपरागत विश्वास। आगे हम चरण देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चरण है, जहां से क्वेश्चन भी आया था टेट में, हाँ जिसमें बोला था कि प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है, ऐसे करके मतलब हम बच्चों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, एक विद्यालय में अध्ययन करेंगे, एक समाज में अध्ययन करेंगे, या कहीं भी रहेगा तो बालक की क्रियाओं का अध्ययन या बालक के व्यवहारों का अध्ययन करना है, व्यवहारों का अध्ययन करना है। ये सारा चीजें आपको बाल अध्ययन विधि में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं क्रमबद्ध चरित्र। हाँ, एक हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों का इसने प्रेरणा दिया है, इसने क्रमबद्ध चरित्र लेखन करके, मतलब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक बच्चे का एक बायोग्राफी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बच्चे का बायोग्राफी बनाएंगे, और वो बायोग्राफी के माध्यम से हम देखेंगे कि इस बच्चे ने अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन होते हुए कौन कौन से गुण को सीखा, अलग अलग स्टेज में कौन कौन से गुण को सीखा, कौन कौन से उसमें भावनात्मक विकास हुआ। तो ये जो होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि बायोग्राफी के माध्यम से अध्ययन करता है, वो उसे हम बोलते हैं क्रमबद्ध चरित्र लेखन। ठीक है, लाइन से हम क्या करते हैं उसका लेखन करते हैं चरित्र का। दूसरा हमारा जो मेथड आता है वो होता है हमारा निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, और इसमें हम मुख्यतः कैसे और क्यों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि बच्चों को हम क्या करेंगे, एक मूविंग पिक्चर दिखाएंगे, कोई भी एक पिक्चर दिखा दो, जैसे कि अब हम बात करते हैं ठीक है, जैसे कि हम पेड़ों का
हिलना दिखाएंगे, ठीक है। एक प्रकृतिवादी कोई चित्र दिखा सकते हैं या एक पॉजिटिव मूवी दिखा सकते हैं, और उस मूवी के माध्यम से हम पूछेंगे बच्चों को कि आपने इस पिक्चर के माध्यम से क्या क्या सीखा ना। कोई भी पार्ट पढ़ाया जाता है तो अंतिम में इसलिए ऐसे पढ़ाया जाता है, इसको विजुलाइजेशन किया जाता है, विजुलाइजेशन किया जा रहा है आजकल वर्तमान में, कि उस बच्चे ने उस चीज़ों को क्या क्या चीज़ को सीखा। कोई बच्चे क्या होगा कि उसके मूविंग स्टाइल को सीखेगा, कोई बच्चे उसके मूल अर्थ को सीखेगा, कोई बच्चा क्या करेगा उसके अलग अलग तत्वों को सीखेगा। तो वह कैसे सीखा और क्यों सीखा और वो क्यों सीखा उसी के वो रुचि के अनुसार वो सीखता है, ये सारा चीज को हम ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत डालते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है प्रयोगात्मक विधि के चरण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग मुख्यतः पूर्ण रूप से साइंटिफिक चरण बोला जाता है इसको, साइंटिफिक। जैसे एक साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले समस्या को फाइंड आउट करता है क्या समस्या है, और उस समस्या के वो ऑप्शन ढूंढता है कि ये समस्या जो होगा इसे हम खत्म कर सकते हैं। फिर वह प्रोसेस अपनाता है, और जो उस प्रोसेस अपनाने के बाद उसकी समस्या का कारण ढूंढता है, कारण ढूंढ के क्या करेगा उनको दूर करेगा, और दूर करके क्या करता है उनको अलग अलग जगह टेस्टिंग करते हैं। वो क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। इसमें अलग अलग चरण आएगा आपका, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग हो गया, ठीक है, आपका कॉन्सेप्चुअल आ गए। अब वो टेस्टिंग करके क्या बोलेगा, सार्वभौमिकता के तहत सभी अलग अलग क्षेत्रों में क्या करेगा वो डालेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं यह पूर्ण रूप से साइंटिफिक टेक्निक होता है प्रयोगात्मक विधि, जिसमें वो समस्या को फाइंड आउट करेगा, साहित्य का अध्ययन करेगा, उसके प्रयोजक को ढूंढेगा, चर और प्रयोगात्मक विकल्प को चयन करेगा, उपकरण उपयोग करेगा, नियंत्रण करेगा, ये सारा चीजें करता है। आगे हम देखते हैं इसी चरण में समकालीन एवं दीर्घकालिक प्राणी। जैसे कि हम बात करेंगे आजकल क्या हो रहा है, भाषा का विकास किया जा रहा है। भाषा का विकास अगर हम उसे देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या इसको हिंदी पढ़ाया, छत्तीसगढ़ी पढ़ाया, तो उसने कितना शब्दों को समझा और कितना शब्दों को सीखा। तो ये अगर तुरंत तुरंत हम लोग उसको रिजल्ट देखने को चाहे तो उसे हम समकालीन प्रभाव बोलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन वो दीर्घकालीन प्रभाव के रूप में आते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है संवेगात्मक विकास, हाँ ये एक ही दिन में नहीं सीखा जाता, इसके लिए बहुत समय लगता है। तो ऐसे चीज़ें जो होगा जैसे उसमें इच्छा का भाव, सहयोग का भाव, ये सारी चीज़ें कैसे विकसित हुआ, वो एक अच्छा विद्यार्थी बन पाया कि नहीं बन पाया, चारित्रिक विकास कितना हुआ, ये आपका दीर्घकालीन प्राणी के अंतर्गत आता है। तो आप कुछ चीज़ों को ऐसे भी ले सकते हैं कि तुरंत तुरंत क्या सीखा और ये कुछ कुछ चरणबद्ध रूप से क्या सीख रहे हैं, ये सारा चीज़ें आपका समकालीन और दीर्घकालीन प्राणी के रूप में देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे साक्षात्कार विधि, ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू। और इंटरव्यू में हम क्या करेंगे, उनके जो आंतरिक तत्व हैं, ठीक है, आंतरिक तत्व होता है जो बच्चों का जो सोच होता है, समझ होता है, हम उनको पूछने की कोशिश करेंगे और उस आधार पर उसे बनाएंगे कि हाँ ये बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है करके, ठीक है। प्रश्नावली मेथड होगा, प्रश्नावली मेथड में भी हम खासतौर पे क्या हो रहा है कि आजकल त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, वार्षिक पेपर, ये सारा चीज़ें क्या होता है आपका प्रश्नावली के रूप में लेते हैं, और प्रश्नों के संग्रह के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे ने इस साल कितना कितना सीखा, कितना परफॉर्मेंस किया। आगे हम देख सकते हैं सातवां टाइप में व्यक्तिगत इतिहास विधि होता है, कि हम क्या करेंगे किसी भी एक पर्सनैलिटी को लेंगे, ठीक है, उस पर्सनैलिटी के जो जो गुण था उस गुणों को हम क्या करेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हमें इसका एक बेसिक एग्जांपल की बात करूं तो हम कक्षा आठवीं में हम पढ़ते हैं सहायक वाचन, सहायक वाचन, और सहायक वाचन में हम लोग पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के पूरे जीवन चरित्र को पढ़ा जाता है, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पढ़ा जाता है। तो जिसमें से उसके अगर कुछ कुछ गुणों को देखेंगे तो हरिश्चंद्र के नाटकों का वर्णन हुआ है, उसके मम्मी की सत्यवादिता पे हुआ है, ठीक है, और कुछ कुछ जगह जिक्र उसने शाकाहारी जो चुना है, शाकाहारी चुनने के लिए जो प्रवृत्ति रही है क्या उसका अवधारणा रहा है, इस पर बात करेंगे, सत्याग्रह पर बात करेंगे, हाँ, और ऐसे अलग अलग जो हमारा विकास हुआ महात्मा गांधी के गुणों का उसके पूरा पूरा क्या कर दिया एक बायोग्राफी के रूप में, और ये बोल सकते हैं कि पूरे पूरे उसके इतिहास पद्धति के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इस टाइप के वे जो अध्ययन किया जाता है इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत इतिहास विधि, ठीक है। प्रक्षेपण विधि को देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं, यहीं से क्वेश्चन आया था, अभी पढ़ेंगे हमें क्या होता है प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है। और जहोदा क्या बोलते हैं इसको छोड़ दो, चलिए आगे देखते हैं। समकालीन दीर्घकालीन प्राणी में मैं बता चुका हूं ये भाषा विकास होगा, तो भाषा विकास जो होगा ये क्या होगा आपका समकालीन होगा। और शारीरिक विकास के क्रम की बात करें कि वह चला, फिर दौड़ा, फिर क्या कर रहे हैं चलेगा, हाँ चलेगा, या तो उससे पहले वो खड़ा होगा, पेशियों का, मांसपेशियों का विकास हो रहा है तो हम खड़ा हो गया, उसके बाद वो चलेगा, बाद में फिर दौड़ता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मांसपेशियों का चरणबद्ध रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमारा दीर्घकालीन प्राणी में आ जाएगा। साक्षात्कार में क्या करते हैं, अंतर तत्व का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रामाणिक साक्षात्कार विधि होता है और एक होता है अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि होता है। प्रामाणिक साक्षात्कार विधि में क्या होता है, प्रश्न जो होते हैं पहले से ही तैयार होते हैं, ठीक है, पहले से ही तैयार होकर उसे पूछा जाता है। और जबकि अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि में आकस्मिक रूप से पूछा जाता है कि आपने इस घटना से कैसे सीखा, अगर ये सिचुएशन होगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये सारे तत्व जो पूछा जाता है ये होता है आपका अप्रामाणिक साक्षात्कार विधि। आगे हम देखते हैं जी प्रश्नावली
प्रश्नावली विधि। अब प्रश्नावली विधि में हम देखेंगे अप्रतिबंधित प्रश्नावली और एक होता है आपका प्रतिबंधित प्रश्नावली। अप्रतिबंधित प्रश्नावली में हम देखेंगे कि आपके विद्यालय की क्या क्या सीमा, ऐसे बच्चों को पूछ दो तो बच्चा क्या करेगा कि वो अपने बच्चा क्या करेगा अपनी सीमाओं का, वो क्या करेगा, सीमाओं का अध्ययन करेगा और सीमाओं को अलग अलग डायरेक्शन से बताएगा कि इधर पेड़ है, इधर तालाब है, इधर बाउंड्री है या इधर क्या है, दुकान है, ऐसे करके। एक बच्चे को देगा तो क्या करेगा, वो अलग अलग चीजों को फिर बताना चालू करेगा कि इधर घर है, इधर मैदान है, सीमा वही है लेकिन उसके देखने के तरीका अलग अलग हो सकता है। या इसी को आजकल हम लोग क्या किया जा रहा है कि क्वेश्चन में दीर्घावली प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न बोलते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जिसके माध्यम से हम उसके व्याख्यात्मक या उसके जो तर्क करने की क्षमता होती है हम उसका जांच करते हैं। और प्रतिबंधित प्रश्नावली में हम हाँ या ना में आंसर ढूंढते हैं, हाँ या ना में आंसर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि शिक्षकों से भय लगता है या नहीं लगता है, तो हम देखेंगे कि हाँ, या तो वो हाँ बोलेगा या तो क्या बोलेगा, ना बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ होते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली होते हैं जिसे सत्य और गलत की पहचान की जाती है। लास्ट हमारा हो सकता है प्रश्नावली चित्र प्रश्नावली, जैसे हम देखेंगे पांचवी क्लास के बच्चों में क्या किया जाता है कि इधर हम लोग क्या करते हैं उसका चित्र को दे देते हैं और चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं सही जोड़ी मिलाव बोलेंगे कि चूहा का साइन दे देंगे और चूहा कौन सा है, हाँ उसके घर के साइन को दे देंगे। तो इसके माध्यम से क्या करता है या चित्रों के माध्यम से क्या करता है वो पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है किसके आधार पे चल रहा है, हमारा मूर्त अवधारणा के आधार पे चल रहा है। मूर्त से क्या होता है वो अमूर्त की ओर जाता है। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों में आप तो पाठ्यक्रम को देखेंगे तो पाठ्यक्रम में पाते हैं कि बहुत सारे चित्र रहते हैं, हर पेज में क्या रहेगा, एक दादी की कहानी है तो उसमें चित्र रहेगा, शेर की कहानी रहेगा, शेर का साइन रहेगा, जबकि वही आप आते आते आठवीं या दसवीं की पुस्तक में देखेंगे तो चित्र की संख्या कम कर दी जाती है। मतलब क्या हो रहा है कि आप मूर्त से लेकर अमूर्त की तरह आपका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि प्रश्नावली विधि के माध्यम से बच्चों का क्या किया जाता है, विकास का अध्ययन करते हैं। इसी चरण में देख लेते हैं, एक होता है आपका परीक्षण विधि या मनोमित विधि हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके मानकीकृत, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय और वैध ये सारा चीज का आपका अध्ययन किया जाएगा परीक्षण के रूप में, ठीक है। व्यक्तिगत इतिहास बता दिया, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल कि एक ही व्यक्ति का एक ही परिस्थिति में एक संस्था के माध्यम से अति सावधानी रूप से अध्ययन करता है कि उसने उस परिस्थिति में क्या क्या डिसीजन लिया, ठीक है। आगे हमारा सबसे अंतिम जो टाइप होता है जहां से टेट में क्वेश्चन आया था कि प्रक्षेपण विधि में कौन सा हमारा मापने के लिए क्या अपनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TAT, ठीक है, थीमेटिक और अपरसेप्शन टेस्ट, मतलब व्यक्तित्व को मापने की विधि होगा, ठीक है, जिसमें हम समझ या अचेतन अभिप्रेरणा का मापन करेंगे, व्यक्तित्व व्यक्तित्व जो हमारा जो संस्था रहेगा उसका अध्ययन करेंगे और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में जो संवेग होता है उनका अध्ययन करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपका जितने भी टेक्निक विधि होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं, क्रमबद्ध चरित्र लेखन, दूसरा निरीक्षण विधि, तीसरा प्रयोगात्मक विधि और इसी चरण में हमने देखा समकालीन व दीर्घकालीन प्रभाव और साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि और लास्ट जो हमारा आठवां नंबर का आता है प्रक्षेपण विधिया, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसी क्रम में हम क्लास को आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जुड़िए कंपटीशन विंग से, इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारी क्लास चालू हो चुकी है, लगभग 15 दिन हो चुका है और क्लास की टाइमिंग है आपका 7 से 11 और आपको एक हफ्ते का कम से कम आपको डेमो टेस्ट देने के लिए भी अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद, आगे मिलते हैं फिर।